मुझे याद है आज से 7-8 साल पहले जब मैं थर्ड ईयर ऑफ MBBS में हुआ करता था, नीट PG के लिए जस्ट प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था एंड मैंने अपना गोल रखा था कि मुझे एम्स की एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके एम्स दिल्ली से MD या MS करना है। हालांकि मैं तो गुजरात की टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरे पास तो इनफ टाइम भी था प्रिपरेशन के लिए, फिर भी एम्स दिल्ली में मुझे एडमिशन मिल सकता है ये बात को बिलीव करने के लिए मेरा माइंड रेडी नहीं था। वो गोल को जस्ट मैं देखने से भी डरता था क्योंकि उस टाइम एम्स दिल्ली में एडमिशन लेना मतलब लोहे के चने चबाने जैसी बात हुआ करता था, स्पेशली पेरिफेरल स्टूडेंट्स को, क्योंकि एम्स के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप 10 रैंक लाने वाले स्टूडेंट्स में से ऑलमोस्ट 7 से 8 स्टूडेंट्स सिर्फ एंड सिर्फ एम्स दिल्ली के ही हुआ करते थे, इतना ज्यादा दबदबा हुआ करता था उनका। सो इवन पेरिफेरी के टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी एम्स दिल्ली से MD या MS करने का सोच नहीं पाते थे, उसमें प्राइवेट मेडिकल स्टूडेंट्स की तो बात ही कहां पे हो पाएगी। जबकि आज सिनेरियो काफी ज्यादा बदल चुका है, काफी पेरिफेरल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इन्हीं सेट में टॉप रैंक्स लाके एम्स दिल्ली या तो PGI या तो जिपमेर या तो पेरिफेरल की एम्स की कॉलेजेस में अपनी चॉइस की सीट्स उठा रहे हैं। देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड दैट एंड आज मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं कि व्हाई यू हु आर सिटिंग इन द एनी पेरिफेरल गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया कैन क्रैक नीट PGINI और नेक्स्ट विद टॉप रैंक्स एंड कैन गेट एडमिशन इनटू एम्स दिल्ली और इवन एनी टॉप कॉलेज ऑफ योर चॉइस। अब हम पहले के हमारे टाइम के सिनेरियो को समझते हैं जिसकी वजह से आज भी आपके दिमाग में भूसा भरा पड़ा है। ऑब्वियसली आपके कॉलेज में से आज तक कोई भी आपका सीनियर ये चीज नहीं कर पाया है, तो इनहेरेंटली आपके दिमाग में भी ये चीज आ जाती है कि भैया कोई नहीं कर पाया है तो हम भी नहीं कर पाएंगे। एंड उससे भी बड़ी प्रॉब्लम, वी नेवर इवन थिंक टू गो इनटू दिस सेंट्रल टॉप कॉलेजेस। बट सी द मेन डिफरेंस जो हमारे टाइम पे हुआ करता था वो था भैया एजुकेशन क्वालिटी दैट स्टूडेंट्स वेर गेटिंग इन डिफरेंट कॉलेजेस। ऑब्वियसली नीट PG को खाने का खेल तो है नहीं, इतने बड़े बड़े 19 सब्जेक्ट्स है, इतनी बड़ी बड़ी बुक्स है, उसमें से हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाइन टू लाइन याद रख के उसके हर एक वर्ड को अंडरस्टैंड करना एंड उसमें से भी आड़े तेड़े ट्विस्टेड MCQs को सॉल्व करके टॉप रैंक ले आना, उसके लिए आपके मेहनत के साथ साथ आप कहां से एंड क्या क्या पढ़ रहे हो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। एंड वहां पे बाजी मार जाते थे भैया एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑनेस्टली एम्स दिल्ली में अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उसका माइंडसेट, कॉन्फिडेंस एंड प्रिपरेशन अलग ही लेवल पे होता है। वो बंदे ने एक बार नेशनल लेवल का फोड़ा है तो वो जानता है कि अगर फिर से वही सेम काम करना है मुझे तो कौन से स्मार्ट एंड हार्ड वर्क के रास्ते अपनाने पड़ेंगे। कंपेयर टू दैट अगर कोई बंदा पेरिफेरल के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसका वैसे भी गवर्नमेंट में कुछ मार्क्स के लिए छूट गया होता है, तो उसका ऑलरेडी एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही डाउन हो जाता है एंड ऊपर से उनको नेशनल एंट्रेंस को टॉप करने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। तो दे लैक ऑल द स्मार्ट वर्क प्रिंसिपल्स अलॉन्ग विद राइट माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस। साथ ही में देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन एकेडमिक्स टू। पेरिफेरल की गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में टीचिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटीज कभी कभी कितनी ज्यादा खराब होती है वी ऑल नो। AI के जमाने में भी टीचर्स वो पीली स्लाइड वाले प्रोजेक्टर्स लेके आते हैं एंड बरसों से काली पड़ी हुई दीवारों पे उनको फोकस करके हमको पढ़ाने का ट्राई करते हैं, जिसमें अगर कोई जूम करके भी टेक्स्ट पढ़ ले तो उसका विजुअल एक्टिविटी टेस्ट हो जाए। एंड इतना तो फिर भी ठीक है, सारे टीचर्स के पढ़ाने की टेक्निक्स भी अलग अलग होती है, कुछ तो जस्ट आके सिर्फ स्लाइड में पढ़ा हुआ लाइन टू लाइन आगे की 2-3 रोज वाले स्टूडेंट्स को सुनाई दे, उतना धीरे धीरे बोल के पढ़ा के चले जाते हैं। सारे टीचर्स एंड कॉलेजेस ऑब्वियसली ऐसे नहीं होते एंड नए कॉलेजेस जो बन रहे हैं उसमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा सॉल्व भी हुआ है। बट कहीं ना कहीं टीचर्स की वैकेंसीज, नई कॉलेजेस के अप्रूवल्स के दौरान उनकी इधर उधर ट्रांसफर्स, लेस एफर्ट पुटिंग फैकल्टीज, ये प्रॉब्लम्स मोस्टली रहते हैं। एंड नेशनल टॉप करने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ता है एंड यहाँ पे अगेन बाजी मारते हैं भैया एम्स के स्टूडेंट्स। मैंने एम्स जोधपुर से MS किया एंड मैंने लिटरली वहाँ का पूरा सिस्टम देखा हुआ है। लिटरली एम्स की कॉलेजेस के लेक्चर थिएटर्स देख के ही एक पेरिफेरल स्टूडेंट का पूरा दिमाग चकरा जाए। लेटेस्ट स्मार्ट बोर्ड टेक्नोलॉजी से लेकर इन बिल्ट थिएटर ऑडियो सिस्टम्स जिसके पीछे से पीछे वाले स्टूडेंट को भी बिल्कुल क्लियर ऑडियो सुनाई दे, हर एक स्टूडेंट के लिए सेपरेट स्मार्ट बेंचेस से लेकर सेंट्रल AC, टीचिंग सिस्टम, टीचर्स के एक्सपीरियंसेस एंड एफर्ट्स, कॉलेज एनवायरमेंट्स एंड उनके बैचमेट्स, सब कुछ अलग ही लेवल का होता है। दे हैव ऑल द फैसिलिटीज टू स्टडी इन द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एनवायरमेंट। साथ ही में पहले ऑफलाइन कोचिंग्स का जमाना हुआ करता था एंड मेजोरिटी ऑफ द कोचिंग्स के हेड ऑफिसेस दिल्ली में ही रहते थे एंड अपनी सबसे बेस्ट फैकल्टीज को भी वो दिल्ली में डिप्लॉय करके रखते थे क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा टॉपर्स निकल के आते थे। हालांकि मार्केटिंग पूरे इंडिया में वही 19 टॉप फैकल्टीज के चेहरे दिखा के करते थे, बट जब कोई भावनगर या नागपुर का स्टूडेंट वो कोचिंग के क्लास में जाके अंदर बैठता था, सामने टीचर को देखता था, तब पता चलता था कि यार हमारे साथ तो धोखा हो गया, दिखाया था किसी और का चेहरा और आ गया कोई और। क्योंकि ऑब्वियसली टॉप फैकल्टी इंडिया के हर एक सेंटर पे जाके तो क्लासेस ले नहीं सकती है एंड उसमें भी वो सारे के सारे सेंटर्स मेन सिटीज में ही होते थे जैसा अभी भी है, जिसकी वजह से मोर देन 70% ऑफ द स्टूडेंट्स वो पेरिफेरी की छोटी छोटी सिटीज से हर हफ्ते 100-200-300 किलोमीटर का ट्रैवल करके अप डाउन करते थे वो जस्ट क्लासेस को अटेंड करने के लिए। पूरा वीक इंटर्नशिप की ड्यूटीज करो एंड फिर हर हफ्ते इतनी टायरिंग जर्नी करो, ट्रैवल का थकान, रहने खाने पीने की दिक्कतें एंड ऐसे माहौल में आप 12-12 घंटे कॉन्स्टेंट पढ़ाई करके कितना ही रिटेन कर लोगे। आई एम नॉट सेइंग ऑफलाइन कोचिंग्स आर बैड,
नो दे आर वेरी बेस्ट वे टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम द फैकल्टी, बट ये सारी दिक्कतों के चलते एक पेरिफेरल मेडिकल स्टूडेंट कभी भी अपनी कैपेबिलिटीज को अटेंड नहीं कर पाता था, जो एक एम्स दिल्ली का स्टूडेंट इजिली कर लेता था। उसको कभी भी वो नेशनल टॉप रैंक लाने वाली फैसिलिटीज, माइंड सेट एंड गाइडेंस मिला ही नहीं, एंड सो ओनली एम्स दिल्ली के मेडिकल स्टूडेंट्स ही एम्स दिल्ली की सीट्स उठाते थे, क्योंकि उनके लिए ये तो बरसों से चली आ रही परंपरा थी। बट अगर अभी का सिनेरियो हम देखें तो वो रेशियो काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। पेरिफेरी के स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 2/3 से भी ज्यादा सीट्स उठाते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में MD/MS करने के लिए। मेरे डिपार्टमेंट में ही 30 में से 24 रेसिडेंट्स पेरिफेरल के प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से थे। ऐसा होने के काफी सारे वैलिड रीजंस भी है, एंड इसमें मैं मानता हूँ कि जहाँ पे जो सबसे बड़ी गेम चेंज हुई है वो हुई है मेरो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ जाने की वजह से। स्पेशली ये जो छोटी छोटी कॉलेजेस के बच्चे थे जिनको कॉलेज लेक्चर तो ढंग से मिलते नहीं थे, ऑफलाइन कोचिंग्स में भी इतनी सारी दिक्कतें आती थी, अब उनको वही सेम फैकल्टी जो एक एम्स दिल्ली के बच्चे को पढ़ा रही है उसका सीधा सीधा एक्सेस अपने ही घर पे बैठ के मिल रहा है, बिना कोई 100, 200 या 300 किलोमीटर हर हफ्ते ट्रैवल किए, एंड वो भी सेम टू सेम वर्ड टू वर्ड एक्सेस, कोई भेदभाव नहीं। जो नॉलेज टॉप कॉलेज के बच्चे को मिल रहा है वही नॉलेज अब कोई भी पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज का बच्चा भी ले सकता है, एंड ले रहे हैं बहुत सारे बच्चे। रोहन खंडेलवाल सर पहले सिर्फ अहमदाबाद, दिल्ली या मुंबई के बच्चों को ही पढ़ाते थे, जबकि अब भावनगर, जामनगर, नागपुर, पुणे, गुवाहाटी किसी भी कॉलेज के बच्चे को उनका सीधा एक्सेस मिल रहा है, कोई धोखा नहीं। एंड ऑफलाइन की तरह 12-12 घंटे कॉन्स्टेंट बैठ के टायरिंग पढ़ाई भी नहीं करनी है, जहां पे दिन के स्टार्टिंग के 2-3 घंटे बहुत माइंड फ्रेश होता है, लेकिन बाकी का पूरा दिन क्या चल रहा है सब ऊपर से ही जाता है। यहाँ पे तो जब माइंड फ्रेश हो लेक्चर देख लिया, जब दिमाग बोर हो जाए थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिया, उसमें भी समझ ना आए तो एक ही लेक्चर को 10, 20, 50 बार जितनी मर्जी चाहो देख लो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो आगे मत बढ़ो। ये जो भैया इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन है ना, वो पहले नहीं था, जो अभी हुआ है, एंड जिसकी वजह से यू आर वेरी प्रिविलेज्ड एंड लकी कि आपको ये अवसर मिला है ऐसे एनवायरमेंट में पढ़ने का। सो यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी वेरी ब्यूटीफुली, एंड अगर ये अपॉर्चुनिटी का सही से इस्तेमाल कर लेते हो तो भैया आप भी नेशनल लेवल के टॉप मार सकते हो। हालांकि एक छोटा सा प्रॉब्लम ये भी आया है कि अभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ही सबसे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इवन कॉलेजेस में जाना भी बंद कर दिया है, जो नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज करो, बट साथ में आपकी कॉलेज का जो एजुकेशन है उसको भी अच्छे से यूटिलाइज करो। कुछ कुछ फैकल्टीज बहुत अच्छी होती है, आपके कोचिंग क्लासेस में ऑफलाइन में जो मिलती है वही सेम डायरेक्ट एक्सेस आपको कॉलेज के लेक्चर में भी मिल सकता है। साथ में मैं ये भी मानता हूँ कि यंग जनरेशन इज वेरी स्मार्ट एंड दे नो व्हाट इज कंफर्टेबल फॉर देयर बेस्ट रिजल्ट्स। बहुत सारा अच्छा कन्वीनियंस मिल रहा है तभी ऑनलाइन एजुकेशन का चेंज आया है, एंड ना सिर्फ मेडिकल एजुकेशन, पूरे इंडिया में डिजिटल इंडिया की बूम आई है। पहले लोग खाना खाने होटल में जाते थे, अब सीधा घर पर डिलीवरी हो जाता है, जो भी खाना हो जोमेटो से मंगवा लो। पहले ऑटो वाले 200-200 रुपीज लूटते थे अनजान पैसेंजर्स से, अभी इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ ओला उबर से फेयर प्राइसेस में जहां पे भी जाना है चले जाओ, कोई लूटेगा नहीं आपको। इसीलिए ही पब्लिक ने ये ऑनलाइन चेंजेस को इतना ज्यादा एक्सेप्ट भी किया है, एंड जिसकी वजह से ये सारे स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स भी बन गए। सो आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस टू। मेरा तो स्मार्टनेस एंड प्रैक्टिकल पाथवेज में ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ रहता है भैया हमेशा से, बदलते जमाने के साथ बदलने में ही ग्रोथ होता है, बाकी भेड़ चाल को फॉलो करने में आप खाई में ही गिरोगे। इवन आज भी मैं अपनी MS एंड MCH की पढ़ाई के लिए मेरो का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूं। मैं तो मानता हूं कि भैया मेरो मेरी लाइफ में एक ब्लेसिंग बन के आया था, क्योंकि जब मैं फाइनल में था मैं भी आपकी तरह स्ट्रगल कर रहा था, बहुत सारी दिक्कतें आती थी कोचिंग्स में एंड क्लासेस में, एंड उस टाइम पे मेरो लॉन्च हुआ था, एंड बिना कोई रिव्यू या रिजल्ट्स के मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट रख दिया था मेरो पे, एंड अपनी सारी की सारी पढ़ाई उस पे शिफ्ट कर दी थी, एंड जिसकी वजह से मैं आगे जाके नेशनल एग्जाम्स को क्रैक भी कर पाया था। एंड आपको भी अब ये वीडियो देख के जुनून आ जाना चाहिए भैया कि चाहे जो भी हो मैं सारे एक्सक्यूजेस बंद करके अपनी ड्रीम ब्रांच एंड ड्रीम रैंक के लिए जी जान लगा के मेहनत करने पे लग जाऊंगा, क्योंकि अभी आपके पास सब कुछ है। हालांकि मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी, बट ये काम इतना इजी पहले कभी नहीं था। अगर राइट डायरेक्शन में स्मार्ट वर्क कर लेते हो तो यू कैन इजीली क्रैक दिस एग्जाम। बट सर वो राइट डायरेक्शन का स्मार्ट वर्क हमको सिखाएगा कौन, क्योंकि हमारे पास तो किसी नेशनल टॉपर का डायरेक्ट एक्सेस है नहीं, उसमें भी ऐसा टॉपर चाहिए जो हमारी तरह ही पेरिफेरल कॉलेज में पढ़ता हो एंड फिर उसने ये सब क्रैक किया हो। एम्स दिल्ली में से तो हर साल टॉपर्स निकलते हैं, सो उनके जूनियर्स को तो उनका डायरेक्ट एक्सेस होता है गाइडेंस के लिए, लेकिन हमारा क्या। ऊपर से टिपिकल कॉलेजेस के सीनियर्स कैसे होते हैं हम सबको पता है, MBBS के इनिशियल ईयर्स में ही वो स्टूडेंट्स के दिमाग में इतनी ज्यादा फॉल्स बिलीव्स एंड नेगेटिव सेल्फ डाउट्स भरे जाते हैं कि वो बच्चा पूरा का पूरा MBBS सिर्फ एंड सिर्फ स्ट्रगल करके रह जाता है, एंड लास्ट में मल्टीपल ड्रॉप्स लेके जो भी कुछ मिला वो ले लेता है या तो फिर मेडिकल ऑफिसर बन के रह जाता है। दे हैव द कैपेबिलिटीज टू क्रैक द एग्जाम्स इफ राइट गाइडेंस इज प्रोवाइडेड टू देम, बट नोबडी इज देयर टू प्रॉपरली गाइड देम टू रिस्टार्ट, टू गेट देम बैक ऑन द ट्रैक एंड टू गिव देयर बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट, वेदर इट्स यूनिवर्सिटी एग्जाम और नेक्स्ट और नीट PG और INICT। एंड सो ओनली आई हैव वर्कड ऑन दिस ह्यूज मेजर प्रॉब्लम्स फॉर माय जूनियर्स इन द पेरिफेरल कॉलेजेस एंड लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑल इन वन स्मार्ट मेंटरशिप प्रोग्राम फॉर MBBS स्टूडेंट्स, जिसमें नीट PG नेक्स्ट INICT या आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स किसी भी एग्जाम को इवन टॉप रैंक से क्रैक करने के लिए चाहिए वाली माइनर से माइनर डिटेल्स A to Z इन्फॉर्मेशन दी गई है। पूरा का पूरा प्रोग्राम मैंने खुद
ग्रुप डिजाइन किया है एंड साथ ही मैं मंथली ग्रुप लाइव सेशंस भी लेता हूँ जिसमें आपके प्रिपरेशन के रिलेटेड डाउट्स बंधक को सॉल्व करते जाते हैं। अगर इसमें छोटा सा इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो आई एम श्योर ऑन द लॉन्ग टर्म इट विल गिव यू मल्टीपल टाइम रिटर्न्स। जितना अर्ली ज्वाइन करोगे उतना अच्छे से आगे निकल पाओगे। अभी तक 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करके इसके पॉजिटिव बेनिफिट्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर चुके हैं। अगर प्रोग्राम वर्दी ना लगे तो 100% रिफंड की भी गारंटी है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आज डाउनलोड करके मेरे साथ जुड़ना ना भूले। बार बार मेरे वीडियोस को देखने आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।